सुधा मैम अगला सवाल कौन सा? सर मेरा इन्फो एज है सर, इन्फो एज लिया हुआ है सुधा मैम? हाँ इन्फो एज है सर, 10 शेयर, हाँ 5100 की खरीद है, 15 शेयर, सॉरी 15 शेयर है। बड़े बड़े स्टॉक लिए हैं आपने एकदम, 4,000, 5,000, है ना? अच्छा भी कंपनी अच्छी थी, ऐसा नहीं है, समय बदल गया है, न्यू एज कंपनीज था, अभी इसके भी धंधे आर्म्स इन्वेस्टिंग कंपनीज तो वही न्यू एज ही कहेंगे। राजेश सर इन्फो एज भाई Naukri.com वाली गजब मोमेंटम पकड़ती थी रह रहे के, कन्विक्शन सबका था, कई लोग कहते थे न्यू एज में दाव लगाने से अच्छा है इन्फो एज के थ्रू दाव लगाओ, कोई जोमेटो पॉलिसी बाजार का एक्सपोजर मिलेगा, सब उल्टा पड़ गया है। अच्छा इनके साथ दिक्कत और है, इनके कोर धंधे का भी रेवेन्यू रन रेट ठंडा पड़ गया। मैं मुझे याद है रिजल्ट का एनालिसिस हम कुछ दिन पहले कर रहे थे, 50% प्लस की रेवेन्यू ग्रोथ का मोमेंटम लास्ट 4 क्वार्टर्स का, इस बार रिड्यूस होके वो 50% से सीधे 30-35% के रन रेट पे आके खड़ी हो गई है, तो दिक्कत तो दिखने लगी है, स्लो डाउन एविडेंट है। ये खुद ही कह रहे थे आईटी में जब नौकरियां नहीं मिल रही तो इन्फोएज का मेन धंधा तो वही था। अब लेकिन है ऐसा स्टॉक जिसने बहुत कमा के दिया है लोगों को, इंतजार करें सुधा मैम इसको लेकर व्यू के, डिक्सन से तो आपने एग्जिट करा दिया, वो लॉस जेब में आ गया है, इसका क्या करना है? देखिए आपने सही कहा कि एक वक्त बहुत अच्छा था इनका, हाँ। Naukri.com जो वेबसाइट है उसमें आप देखो तो 80% ट्रैफिक शेयर वहीं पे है, और आईटी में जहाँ के इनका मेन धंधा आता है 36% के आसपास का रेवेन्यू, वहाँ स्लो डाउन और नौकरियाँ जा रही हैं लोगों की, तो वहाँ से थोड़ी दिक्कतें तो हैं, मार्जिन्स में भी प्रेशर है, और इसके अलावा जो इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं Zomato पॉलिसी बाजार, वहाँ भी हमने देखा है किस तरीके की वैल्यूएशन इरोड होते हुए। इन सब के बीच में मैं समझता हूँ कि जो भी नेगेटिव्स थे इस वक्त डिस्काउंटेड हैं, और इस वक्त हमारा टारगेट इसमें 4200 रुपये का है आने वाले 6 महीने में, तो इन्हें बने रहने की सलाह रहेगी। अरे वाह, तो पूरी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, ये तो कंफर्म्ड है, 4200 के टारगेट्स हैं, इसको तो मैम सुधा मैम होल्ड करेंगे। अच्छा जब 4200 है 3400 पे खड़ा हुआ है, कुछ एवरेज करना है कि छोड़ देने का इस समय एवरेजिंग वाला मामला? देखिए इस वक्त जो इनकी होल्डिंग्स है ना Zomato पॉलिसी बाजार उसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, और लगातार हम देख रहे हैं वहाँ दबाव बना हुआ है, थोड़ी सी भी अगर आईटी सर्विसेज की तरफ से इनके जो नंबर्स आ रहे हैं वो बेहतर आने लग जाएं तो वहाँ पे हमारी हो सकता है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी बने, लेकिन इस वक्त कोई नई बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही नहीं है जब तक कि आईटी नंबर आईटी के क्षेत्र से कोई क्लियर गाइडेंस नहीं मिलता है। मैम सिर्फ होल्ड करेंगे इस समय, होपफुली 4200 के राजेश सर के टारगेट्स हैं वो आपको शायद स्क्रीन पे देखने को मिले। चलिए इस नोट पर केतकी मैम, दीक्षा मैम, सुधा मैम थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज प्लेटफॉर्म पर रेज करने के लिए। अरे नहीं नहीं राजेश सर, दो चीजें क्विकली, समय खत्म हो गया है, एक तो आईटीसी पे फ्रेश 12 मंथ के प्राइस टारगेट्स, और दूसरे जिन जिन के आपने लॉस बुक कराए, एक ऐसा स्टॉक जहां पे पैसा डाला जाए। अब देखिए अगर लंबी अवधि का नज़रिया हो तो पहली पसंद हमारी इस वक्त रिलायंस की रहेगी, वहाँ बहुत सारी स्टोरीज हैं डिमर्जर की कह लीजिए या उनके जो वर्टिकल्स हैं उनके परफॉर्मेंस की, वहाँ रहनी चाहिए। दूसरी HDFC बैंक, ये दो लार्ज कैप में रहेंगे, मिड कैप में कोई को देखना हो तो जिस तरीका की एलोकेशन केपेक्स पे हुआ है 10 लाख करोड़ का बजट में, उसे देखते हुए मुझे लगता है कुछ सीमेंट कंपनियों पर ध्यान रखना चाहिए, जिसमें डालमिया भारत मिड कैप साइड में अच्छी रहेगी, इवन ग्रासिम पे ध्यान दिया जा सकता है, बहुत ऊपर के लेवल से टूट गया। ये सारे स्टॉक मैं दोबारा दोहरा दूं, बाजार इस वक्त कंसोलिडेशन के मोड में है, कम से कम 9 से 12 महीने के टारगेट के साथ टाइम होराइजन के साथ ही खरीदें। 9 से 12 महीने का कम से कम टाइम होराइजन, वेल जल्दी क्या है, पैसा बनने लंबी अवधि में तो रखें ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि राजेश सर ने कह दिया है तो प्लीज स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व तो प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है, तो आप लोग किसी एक और इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट से भी व्यू ले लीजिएगा, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज HDFC बैंक जैसे निफ्टी 50 की बढ़िया कंपनीज, इनमें दाव लगाइए, इनमें पैसा अपना चैनलाइज करिए, ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी। समय खत्म हो गया, नहीं तो शहजादे पे रिव्यू लेना था राजेश सर से मुझे, अब मुश्किल हो गया है। आप सबका जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, और राजेश सर बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।